बेस्ट साइकिल अंडर 7,000 रुपीज। वेल दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट 5 साइकिल्स विच यू कैन बाय अंडर 7,000 रुपीज बजट। अब ये जो साइकिल्स हैं ये होने वाली हैं सिंगल स्पीड साइकिल्स। अब ये जो बजट है ना 7,000 रुपए का, इसमें आपको यही साइकिल्स मिलती हैं। बट मैंने ओवरऑल 50 साइकिल्स में से 5 ऐसी साइकिल्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो की बेस्ट ऑफ द बेस्ट है एंड आपके पैसे को डेफिनेटली जस्टिफाई करती है। बाकी गाइस, अगर आप ई टेट्रा हब पर नए हो देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बाकी और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में सबसे पहले आती है सस्ती से सस्ती साइकिल जो कि आपको हीरो की स्प्रिंट मिल जाती है। अब ये जो साइकिल है ना व्हाइट कलर के काफी ज्यादा एलिगेंट लुक में आती है एंड देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। अब बात करें इसकी बिल्ड की तो देखो जिस ब्रांड की तरफ से आती है ना तो इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप टायरों पे नजर मारोगे तो टायर थोड़े से पतले टाइप के आते हैं। दोनों तरफ आपको पावर ब्रेक्स मिलते हैं, डिस्क ब्रेक इसमें नहीं मिलते बट आप चाहो तो लगवा सकते हो इन फ्यूचर, आजकल आसानी से लग जाते हैं। इसके अलावा इसका जो फ्रेम है वो 18 इंच का आता है एंड 26 इंचेस के आते हैं। तो मेनली सभी एज ग्रुप के लोग इसको चला सकते हैं। अगर आपकी हाइट 5 फीट से लेके 5.8 फीट तक है देन आप इसको इजीली चला सकते हो। बट अगर आप 6 फीट या ज्यादा के हो देन आपको 29T के साथ जाना है। बाकी साइकिल का जो प्राइस है वो आपको अराउंड 5,000 रुपीज के आसपास मिलेगा एंड यस 5,000 रुपीज में डेफिनेटली वर्थ इट है। गाइस, अगली जो साइकिल है ये आपको मिलती है हरकुलस की स्टॉर्म। अब ये जो साइकिल है ये भी 26 इंचेस के टायर के साथ आती है एंड जो फ्रेम है वो आपको 17 इंच का मिलता है। एंड सभी साइकिल्स का जो सैडल है ना वो पीयू का ही आता है। क्या सैडल क्या होता है? अरे सीट भाई। अब इस साइकिल में भी आपको वही सिंगल स्पीड मिलती है। वैसे गियर वाली साइकिल इस वीडियो में नहीं मिलेगी बट इसकी जो टायर की क्वालिटी है वो मेरे को हीरो वाले से थोड़ी बेटर लगी। लाइक कंप्लीट ग्रिप मिलती है आपको तो आप ढलान वगैरह पे इजीली इसको चढ़ा सकते हो, आपकी साइकिल फिसलेगी नहीं। बट हीरो वाले में फिसलने की संभावना ज्यादा है। अब इसको भी सभी तरह के लोग चला सकते हैं। वैसे एज ग्रुप 13+ इयर्स का है। इसके अलावा आपको इसमें क्विक रिलीज सीट पोस्ट मिलता है तो आपको अब साइकिल को ले जाने की जरूरत नहीं है सीट ऊपर नीचे करने के लिए, आप खुद ही कर सकते हो। इस साइकिल का प्राइस आता है 6,500 रुपीज और फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया सभी साइकिल्स की। अगली जो बाइसिकल है ये आपको मिलती है वीवा राइड। अब यार आपने शायद ब्रांड सुना ना हो बट लिटरली ये जो साइकिल है ना काफी ज्यादा अच्छी साइकिल है एंड काफी सारे रिव्यूज मैंने इसके ऊपर देखे हुए हैं ऑलरेडी। बहुत सारे लोग खुश हैं इस साइकिल को लेने के बाद। ये बेसिकली एक माउंटेन बाइक है। इसका जो फ्रेम है थोड़ा सा चौड़ा आता है एंड टायर की क्वालिटी भी अच्छी आती है। इसकी जो रिम है वो एक डबल वॉल एलॉय रिम आती है जो कि मैं आपको बताना भूल गया, हीरो स्प्रिंट में भी सेम यही रिम आती है बट हरकुलस में ये वाली रिम नहीं आती। हरकुलस में नॉर्मल रिम आती है जो हमारी पुरानी साइकिल्स में आती थी। बात करूं ब्रेक सेट की तो यहाँ आपको वही पावर वी ब्रेक मिलते हैं। आपको यहाँ पे मडगार्ड मिल जाता है साथ में। इसका जो सैडल है वो भी MTB वाले मिलता है। टायर्स और ट्यूब्स की बात करूं तो हिंदुस्तान ब्रांड की तरफ से आपको टायर मिलता है जो कि 26 इंचेस का आता है। अब ओवरऑल ये जो साइकिल है उन लोगों के लिए काफी अच्छी है जो ट्रैकिंग वगैरह करना पसंद करते हैं, ऊंचाई वगैरह पे चढ़ानी है आपको साइकिल, आपको साइकिल से अच्छी ग्रिप चाहिए एंड क्वालिटी वाइज भी ये साइकिल पर्सनली काफी अच्छी है। इसके साथ आपको मडगार्ड भी साथ में ही मिल रहा है, हीरो वाले आपको मडगार्ड साथ में नहीं देंगे। इसका प्राइस भी 6,500 रुपीज आता है। बाकी लेटेस्ट प्राइस जानने के लिए लिंक पे चले जाना। अभी अगली जो साइकिल आती है ये आपको मिलेगी लीडर स्काउट जो कि अगेन माउंटेन बाइक है। 26 इंचेस के टायर मिल जाते हैं आपको। टायर क्वालिटी लगभग वैसी आती है जो आपको वीवा में मिलती है बट लीडर वाली ये साइकिल थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है उससे। टायर साइज तो वही है, फ्रेम साइज आपको 18 इंचेस का मिलता है एंड 5 से 6 फुट के लोग इसको चला सकते हैं। बट यहाँ पर आपको एक जो अच्छी चीज मिलती है ना इसमें वो है डिस्क ब्रेक। फ्रंट वाले टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अब ये जो साइकिल है 6,500 की आती है तो फ्रंट में तो आपको डिस्क ब्रेक मिल ही रहा है, 500-600 रुपए मिला के पीछे वाले टायर में भी लगवा लेना। वैसे आपको पीछे वाले टायर में विवेक मिलते हैं। इस साइकिल का फ्रेम मटेरियल स्टील का आता है। वेल सारी साइकिल्स का स्टील का ही लिया है मैंने। बाकी मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी आपको मडगार्ड वगैरह नहीं मिलता। बाकी आप जाके एक बार सही ढंग से चेक कर लेना। बाकी ये 6,500 में काफी अच्छी साइकिल। गाइस अगली जो साइकिल है ना ये आपको मिलती है वेस्को की तरफ से, वेस्को की ड्रिफ्ट। ये साइकिल भी काफी अच्छी साइकिल है बट थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है। वेल इसमें आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलते हैं, फ्रंट सस्पेंशन इसका थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मिलता है एंड 26 इंचेस के आपको माउंटेनियर टायर्स मिलते हैं। फ्रेम साइज 17 इंच है तो अगर राइडर की हाइट 5 फीट से लेके 5.8-5.9 फीट तक की है वो आराम से इसको चला सकता है। अब ये सारी साइकिल्स है ना 80-90% तो आपको असेंबल्ड आती है, थोड़ी बहुत आपको असेंबल करनी पड़ती है जो आप खुद ही कर सकते हो। प्राइस इसका आपको 7,500 रुपीज मिलता है। अब 500 रुपए ज्यादा ले रहे हैं ये बट आपको डुअल डिस्क मिल जाता है। वेल दोस्तों बस यही थी आज की 5 बेस्ट साइकिल्स जो कि आप खरीद सकते हैं अंडर 7,000 रुपीज में। अब यार ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि इन 5 में से भी कौन सी लेनी है। अगर आपका बजट 5,000 है देन हीरो ले लो, 6,000 के आसपास है हरकुलस अच्छी है। अगर आपका बजट 6,500 के आसपास है देन लीडर स्काउट, वीवा एंड हरकुलस तीनों अच्छी है। तीनों में से जो आपको अच्छी लगती है देखने में वो ले सकते हो एंड बजट थोड़ा सा और है ना देन वेस्को की ड्रिफ्ट ले लेना, काफी अच्छी है। बाकी दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी
किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।